फ्रॉम लेह। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग इस प्रॉपर्टी में रुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाइक वॉश करने के लिए, क्योंकि 6 दिन बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मोटी मोटी लेयरें मिट्टी की पूरी जमी हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गंदा हो गया। ठंडी ज्यादा है सर। होगी होगी हो गई। वो जो टॉप है ना वहाँ पे, वहाँ जाना है। इसकी माँ का साकीना का एक नंबर बाइक कंप्लीटली वॉश हो गई है। इसको भी इसने खोल दिया है, वही नहीं लगा लेंगे। आप देखो क्या बाइक साफ अच्छी लगती है यार, नो डाउट। मतलब कभी कभी गंदी अच्छी लगती है, बट साफ भी अच्छी लगती है। ऑलराइट गाइस, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं लेह पैलेस। लेह पैलेस के लिए आपको यहाँ से काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे पूरी चढ़ाई करनी पड़ती है, बट हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग में मैं, शिवेंद्र भैया, गगन भैया और प्रिंस सर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सांस काफ़ी फूल रही है। हालांकि उन लोग भी ऊपर तक नहीं गए हैं, उन लोग बस गेट तक गए, बट हम लोग रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा टूर बस यहाँ का नहीं है। अभी 10 दिन और बचे, तो मैं तो पर्सनली बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूँ और आगे का जो ट्रिप है वो पोपट हो जाए, इसलिए हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ये आपको बस दिखाने के लिए मैं ले गया था ऊपर। ये देखो और एक भालू, गलत रास्ता आ गया। ये है गलत सही रास्ता। भाई साहब बैठ गए फोन लेके, यहाँ शॉपिंग चल रहे हैं, वीडियो कॉल चल रहे हैं। सर सर सोना है, सर सोना कैसे कर रहे हो आप? ये हमारा दुकान है लद्दाख म्यूजियम। यहाँ पे आपको सारा जो है ट्रेडिशनल आइटम्स मिलते हैं, और जो भी आप नीचे मेन मार्केट में जाएंगे ये यहाँ से आपको एटलीस्ट 30-40% 30-40% कम मिलेगा। 30-40% में रेट्स में आपको ये मिलेगा इनफिल्ट्रेशन। ओके, और ये जो है हमारा ओल्ड मार्केट है, यहाँ से लेफ्ट पहला चढ़ते हैं, ये लद्दाख म्यूजियम है, और ये हमारा क्राफ्ट्समैन का दुकान है। ये वाला यहाँ से हम शॉपिंग कर रहे हैं। अभी गोल्ड एंड सिल्वर भी बनाते हैं, ऑर्डर ज्वेलरी बनाते हैं। ओके ओके नाइस। रावणा किसी को तो बैठना पड़ेगा। आ जाओ 2 मिनट, आप उतर जाओगे। शिवेंद्र भैया की फट गई है, एयरबैग फट गया। ये रहा लेह पैलेस, और अभी हम लोग जस्ट यहाँ है शांति स्तूपा ऑपोजिट, वहाँ से सीधा यहाँ दिख रहे वो है खारदुंगला के पास, जहाँ अपन कल जाने वाले हैं। सो कल तो पूरा बर्फ बर्फ मिलने वाला है भाई साहब। 78 74 74 74 134 137 ला मेरे भी दिखाओ। 84 5 6 7 सब कोविड पॉजिटिव हो गए। उंगली अंगला में टेस्ट करेंगे, वहां बात करेंगे।
बड़े बड़े एथलीट का है, 74, 73 क्या एथलीट करेंगे, ऑलराइट गाइस, दोपहर के बज गए हैं 3:30 और आपका मोटो चौक की भिलाई राइडर निकल पड़ा है आप लोगों को ले साइट सीन कराने के लिए। पहले हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक हिल, देन पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और ये दोनों जगह सिटी से, मतलब ले सिटी से थोड़ा दूर है, इसलिए हम लोगों ने हेलमेट पहन लिया है। ये सामने जो है ये है ले मार्केट, शाम को आएंगे ले मार्केट। अरे बाबा पैर फिसलना। सुबह आपके मोटो चौकी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, एक्चुअली हेडेक हो रहा था, बट यहाँ का हेडेक थोड़ा अजीब सा होता है, दिमाग की दही कर देता है पूरा। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन लिया एंड नाउ आई एम टोटली फाइन। सुबह हम लोग ने ब्रेकफास्ट यहाँ किया था चस्का मस्का में, ये रहा। जैसे कि बताया उस टाइम तबीयत ख़राब थी तो कुछ व्लॉगिंग हुआ नहीं, उस टाइम दिखा पाए नहीं। ये है हॉल ऑफ फेम, मेरे ख्याल से ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम के वेपन्स वगैरह कुछ कुछ सामान शायद यहाँ पे रखा हुआ है। इतनी खतरनाक यहाँ पे विंड ब्लास्ट चल रहे हैं, आपको पता नहीं सकता, गाड़ी यहाँ से वहाँ चली जा रही है। अरे तेरी, सो ये था मैग्नेटिक हिल, यहाँ से ले 29 जहाँ से हम लोग आए हैं, NH1 में हैं हम लोग अभी। और इसको मैग्नेटिक हिल क्यों बोलते हैं मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, कुछ तो समझ में आया कि इल्यूजन कुछ बनता है यहाँ पे, दैट्स इट। बहुत हम लोग ने यहाँ फोटोग्राफी वगैरह कर लिया, बट असली मजे ना इस रोड के है। ये रोड देखो आप, तो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है पत्थर साहब गुरुद्वारा। ले में आए और पत्थर साहब गुरुद्वारे के दर्शन ना किए तो क्या किए। ऑलराइट, अभी हम लोग हैं पत्थर साहब गुरुद्वारे में। जब राक्षस गुरु जी के ऊपर पत्थर फेंका था जब वो तपस्या कर रहे थे, तो ये पत्थर उन गुरु जी का शेप ले लिया था। okay. तो ये शेप उनका है, मतलब पत्थर खुद पिघल के उनका शेप ले लिया था। okay. तो वो तपस्या उनकी भंग नहीं हुई, पत्थर गिरा उनके ऊपर, पत्थर वो खुद पिघल गया और उनका शेप ले लिया इसी स्पॉट पे, इसी स्पॉट पे। हाँ, इसीलिए इसको पत्थर साफ बोलते हैं। ओके, कुछ झंडा दिख रहा है आपको, झंडा स्पॉट है जहाँ से वो पत्थर को धकेला गया था गुरु जी के ऊपर, और ये है वो गुरुद्वारा जहाँ पे पत्थर रखा हुआ है। वो देखो पूरा क्लाउड्स के शेडो आ रहे थे। इस पर्टिकुलर एरिया में पता नहीं क्यों बड़ा विंड ब्लास्ट है यार, मतलब पूरा हेलमेट ऐसा घूम जा रहा है, इतना विंड ब्लास्ट है। कैमरे में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो पहाड़। हमने काफ़ी पॉइंट्स आज कवर कर लिए जितना हो सकता था, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ कवर करने के लिए, बट एनर्जी और टाइम नहीं हमारे पास। व्लॉग करेंगे यहाँ, जब मैं बुलाया व्लॉग करने के लिए तो आए नहीं, सुनना नहीं आया था, तो भग गए। आया था मैं, बस यो करके चले गए। अरे ये व्लॉग होता है क्या, करो प्रॉपर ब्लॉग करो, बताओ इस बार। तो हम है फाइनली ले मार्केट पे, यहाँ आप देखेंगे आपको सारी सुविधाएं मिल सकती है। हाँ, आराम से आराम से। ओके, आरजे नहीं बनना है? नहीं नहीं, आरजे नहीं बनना है, आराम से बताओ, एक सांस में मत बताओ। मैं तो आरजे विजय बनने की सोच रहा था। हाउ वेलकम टू माय एफएफ, और आप है जल्दी यहाँ से निकलना है शॉपिंग करके, और कुछ कुछ अर्जेंट नीड है, जो ग्लव्स और सॉक्स लेना है बुलेन वाले। बुलाया क्या? अरे कहाँ गए, चलो फोटो खींच रहे, क्योंकि हम कल जा रहे हैं। अच्छा, और ये है अपना जामा मस्जिद सामने, ली जामा मस्जिद हम जा रहे हैं। कल से हम लोग का मेन राइड शुरू होगा जो कि मकसद है आने का वो है उमलिंगला, विच इज 19,300 फीट, वो है हम लोग का चैलेंज। ये सब तो बस ऐसे चल रहे हैं अभी, लेवे अगले 4-5 दिन लिटरली बहुत टफ होने वाले हैं। कल से हम लोग कंटिन्यूस राइड करने वाले हैं, बस रात को
जाएंगे, स्टे लेंगे, सोएंगे, दैट्स इट, और सुबह उठेंगे अगेन राइड. ऐसा अपन छः दिन मनाली, अप टू मनाली लगातार अपन जस्ट राइड एंड राइड एंड राइड. रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, राइड एंड राइड एंड राइड इट रिपीट. ऑलराइट, अभी रात के 8:30 बज गए हैं और हम लोग अभी फाइनली डिनर कर रहे हैं. यहाँ पे डिनर चाइनीज फॉर्मेट में. सर रुको, हम अभी करने वाले हैं वेज मोमोज को अनवील. मीटिंग है ना तो लास्ट जुलाई 1st वीक या जून में, बात तो हो गई थी तुम्हारे. देख के गरम है जी. बात करता हूँ प्रॉपर है एकदम. जलाते हैं ये, जलाते हैं घर में. भाई मोमो है ये, गरम रहता है मेरी जान. ओ ये तो नहीं है ना. मोमो के नाम पे तो सब चीजें ठीक थी, लेकिन ये जो चटनी थी शेजवान वाली, बैंड बजा दिया इसने तो. हालत खराब हो गई मेरी. नाम गर्म हुई, नाम गर्म हो गए. मैं बस खानी है सब चटनी किसी और. काम बिगाड़ा है इस चटनी ने, बट एक्चुअल टेस्ट है इस चटनी का. अगर कब जमा होगा ना पूरा एक बार में, वो तो जमा निकल जाएगा. हाँ. और सुबेरी जो निकलेगा उसका क्या, लगा लेंगे पोरोलिन. डब्बा लेना पड़ेगा 1 किलो का. हैदराबाद यहीं रहना.